ये सब क्या यार? तू हमारा है, तेरी ही बाइक के नीचे दबके मरने का इंतजार कर रहा था मैं। सीधा मेरी गर्दन पे टायर चढ़ा दे, लेकिन मेरे चेहरे को कुछ नहीं होना चाहिए। काफी लोग आएंगे ना मुझे देखने के लिए। मेरी मौत का कारण वो जानकी की फ्रेंड है, ये टीवी पे आना चाहिए। मेरी जेब में 2000 रुपए है, 1000 तू ले ले, 1000 वो जय को दे देना, क्योंकि मैं अगले जन्म में जय की तरह नहीं बनना चाहता हूँ। चलो जा पहले। अरे क्या हुआ, कुछ बोलेगा भी? चल जा, उसने मेरा प्यार बर्बाद कर दिया। वो देखो मेरी फ्रेंड चित्रा आ गई। आ गई? चल सुरेश शुरू हो जा। यही है क्या वो गधा? क्या हुआ, इस गधे जैसी शक्ल को प्यार चाहिए? क्या हुआ, क्या हुआ, हकला कर क्यों बात कर रहा है? वो क्या है, आपको देख के घबरा गया हूँ, इसलिए मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। यहाँ बस 5 मिनट बात करके तुम हकलाना शुरू हो गए। जीवन भर इसे देखने पर तो गूंगे हो जाओगे शायद। हाँ? मेरी बात सुनो, पीछे हट जाओ। देखो देखो, आप लॉजिकली बात करके हम दोनों का प्यार अलग करना चाहती हो, ये सही नहीं है, हमें मिला दीजिए प्लीज। कल तुम्हारा दोस्त कुछ प्यार व्यार का भाषण दे रहा था ना, क्या बक रहा था वो? प्रेमी जितना प्यार करते हैं, मुझे भी प्यार करिए। नहीं नहीं नहीं, कहो कि प्यार करे, प्यार से प्यार करे, प्यार को आपसे ज्यादा प्यार करे। मैं आप दोनों को प्यार करूंगा। हे भगवान, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? हाँ, मैं जिंदगी भर प्यार करूंगा। इसी पागल के पीछे तो इतना मरी जा रही थी। मम्मी, वो तो बहुत प्यार से बोला था। अबे बोलना आगे, मैं क्या करूँ यार। इधर आ। अरे मम्मी, अब बात कर। अब कैसे करूँ? अब मुझे बताओ कि तुम इसे कैसे प्रपोज करोगे। चलो फूल देके करूँगा, इसीलिए तो लेके आया हूँ। नए तरीके से। अलग तरीके से? दांतों में फंसा के देता हूँ। ये तो पागलों का बाप है शायद। देखिए, आप मेरी भावना को ठेस पहुंचा रही हैं। एक परीक्षा और लीजिए, पक्का पास हो जाऊंगा। ठीक है, प्यार करके क्या करना चाहते हो तुम? जो सब करते हैं, 3-4 साल के बाद एंजॉय करके छोड़ दोगे ना? जी, मैं ऐसे खानदान का लड़का नहीं हूँ। कैसी बात कर रही हैं आप? तो फिर क्या करोगे? प्यार करना मतलब छुओगे, घूमोगे, है ना? वो फैसिलिटी है क्या? और किस भी करोगे? दोस्तों के सामने मेरी लवर है कह के शो ऑफ करोगे? बताओ क्या करना चाहते हो? आप मेरी जिंदगी खराब करना चाहती है ना? मैं सब समझ गया, मेरा प्यार तुम्हें खटकने लगा है। ठीक है, रो मत। मैं तुम्हें 10,000 दूंगी। वो क्यों दीदी? बिना कपड़ों के कॉलेज जाकर मेरी फीस भर के रिसीट लेकर आना। क्या, बिना कपड़ों के फीस भरने जाऊं? दीदी फोन बिल और बिजली का बिल भी दे दो, वो भी भरते हुए आ जाऊंगा। बात करती है, बाथरूम में भी मैं कपड़े पहन के नहाता हूँ, और तुम बिना कपड़ों के मुझे फीस भरने के लिए भेज रही हो? हाँ, बॉयज मूवी में हीरो सिद्धार्थ अपने प्यार के लिए बिना कपड़ों के रोड पर भागा था। तुम एक छोटी सी फीस नहीं भर सकते क्या? नहीं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो कपड़े उतार कर अभी जाओ, वरना मान लो कि तुम फ्लर्ट हो। दुनिया का कोई भी इंसान इसके लिए नहीं मानेगा, और तुम मुझे फीस के लिए नंगा। हे भगवान, आपने जानबूझकर मेरे प्यार को छीना है। जानकी तुम देख लेना, मरने के बाद भी मैं भूत बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। हे, तूने बड़ी मुश्किल से मिलाया, लेकिन उसकी दोस्त ने कहा मैं पागल हूँ, फ्लर्ट कर रहा हूँ। मेरी डार्लिंग को मेरे से अलग कर दिया, मेरी खुशियाँ छीन ली, उसको मेरी बददुआ लगेगी। आधा घंटा लेट क्या हो गया, तो इतना ड्रामा हो गया। ठीक है, वापस फोन कर, मैं बात करता हूँ। हाँ, नहीं, वो हम दोनों को भी अलग कर देगी, उसके बारे में तुझे नहीं पता। कुछ नहीं होगा यार, मैं सेट कर दूंगा। 36 24 36 खतरनाक है। नंबर है ना? हाँ यही है। कह रही थी कि मैं जानकी से फ्लर्ट कर रहा हूँ। सुरेश का फोन आ रहा है, ला दे मैं बात करती हूँ। वापस क्यों फोन किया तुमने? एक बार और कॉल किया ना तुमने तो मार डालूंगी। जानकी तुमसे प्यार नहीं करती है, समझ में आया तुम्हें? ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। उसे तुमसे नफरत है। फिर से फोन किया तो मैं पुलिस में कम्प्लेन कर दूंगी। रखो फोन। ऐसा बोलने वाली तू कौन होती है? मैं जानकी की फ्रेंड हूँ, मैंने कह दिया मतलब उसने कह दिया। जानकी की दोस्त? तेरा नाम वाम कुछ है नहीं क्या? चित्रा। चित्रा बालसुब्रमण्यम। चित्रा? हाँ, तो क्या कर लेगा? तुम जैसे आवारा लड़के को प्यार नहीं मिलना चाहिए। ए पागल, जरा चुप रहेगी? यही मेरी फिलॉसफी है, एक चप्पल से मारूंगी। ए, लड़कियों ने जन्म लिया है हमारे लिए। मैं लड़कियों को तुमसे प्यार करने नहीं दूंगी, जो करना है कर ले। ए पागल, मेरी फ्रेंड्स के आसपास भी नजर आया ना तो मार डालूंगी। मेरी जिंदगी से खेलने के लिए अगर मैंने तुझे मार नहीं दिया ना, तो मेरा नाम सिद्धू नहीं। ए, क्या हुआ, उसने हम दोनों को भी अलग कर दिया ना? मैंने कहा था वो हम दोनों को साथ नहीं रहने देगी। चित्रा अभी कहाँ मिलेगी मुझे? कंप्यूटर साइंस बी ब्लॉक।
ए जानकी, चित्रा इस वक्त कहाँ है? पार्किंग लॉट में गई है। व्हीकल नंबर? विस्पा 7969। बाय। जिस लड़की को तुमने चुड़ैल समझा उसी को देवी समझकर फिर से प्यार किया माय सन? हाँ फादर, जब मैंने चित्रा को पहली बार देखा था तभी उससे प्यार हो गया। आई लव हर अ लॉट। देखो माय सन, मेरी बात मानो और उस लड़की को सच्चे मन से प्यार करो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। यहाँ मैं भी तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। ओ माय जीसस। दो है तुमको मुझसे प्यार यारा, मेरी तरह दिल को तुमने भी हारा। मेरा चेहरा बसा लो आँखों में यारा, कर भी लो अब तुम इकरार यारा। रब से भी पहले याद तुमको मैं तो करता हूँ, से भी ज्यादा प्यार तुमको मैं तो करता हूँ। दीवाना दीवाना, अरे मैं हो गया तेरा। कसम से हुआ पागल आवारा। सनम मैं इश्क का तेरे हूँ मारा। तुझे ही चाहूँ मैं जान से भी ज्यादा। जाना जाना मुड़ के दे जाना, आशिक हूँ मैं तेरा दिल तू देना। एक एक्शन हीरो की तरह चाकू लेकर गया था, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, खून पी जाऊंगा कह रहा था, और यहाँ बैठ के चाय पी रहा है। मैंने कहा था ना तू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इधर बैठ। हाँ। तुझे एक शॉकिंग न्यूज़ बताऊं क्या? हाँ बता। तेरे प्यार का ब्रेकअप करने वाली, मेरी कॉलेज लाइफ क्रैश करने वाली और कोई नहीं बल्कि मैं जिसे जान से भी ज्यादा चाहता हूँ ना, वो मेरी मैना। हाँ? चित्रा।
चित्रा बालासुब्रमण्यम है। क्या, जिसका नाम सुनते ही तू कोयले की तरह जलने लगता था, जिसके फोन उठाते ही तुझे गालियों के अलावा कुछ और नहीं आता था, वो लड़की तेरी लवर हो गई। या अल्लाह, गॉड मस्ट बी क्रेजी। ये प्रकृति के खिलाफ ऐसा मत कर। वैसे तुझे मंदिर और चर्च जाकर पूजा अर्चना करने की क्या जरूरत थी? हे, मंदिर के भगवान ने मेरा प्यार दुश्मन से करवाया है, चर्च के यीशु ने मुझे क्लैरिटी दे दी कि वही मेरी सोलमेट है। शूलेस नहीं कहा था? देख, उस लड़की के बारे में तुझे पता है या नहीं ये मैं नहीं जानता। किसी और के प्यार करने पे वो शेरनी की तरह दहाड़ने वाली लड़की है, वो कभी भी तुझसे प्यार नहीं करेगी। एक बार प्यार का एप्लीकेशन डाल के देख, तेरा काम खत्म। भाई, मैंने उसे देखा है, उसका टॉर्चर, उसका टेस्ट, उसके प्रश्न, उससे दूर रहना ही अच्छा होगा। ए, हम दोनों लवर्स हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं, ऐसा भगवान ने डिसाइड किया है। तू अपना मुंह बंद रख। अब से मेरा टारगेट उस लड़की से प्यार करना और उसे मुझसे प्यार करवाना है। कल से पीछे पीछे जाकर प्यार करवाऊंगा। हम भी आएंगे ना, देखेंगे।